इलाकों का दौरा कर रही है। आज इसी कड़ी में मेयर शैली ओब्रॉय अधिकारियों के साथ छतरपुर विधानसभा के भाटी वार्ड और सैदुला जाप वार्ड का दौरा किया। वहां पहुंचने पर उनके साथ स्थानीय विधायक करतार सिंह तंवर और दोनों वार्डो के पार्षद भी हो गए। आज हमने इस वार्ड में जो MCD का अस्पताल है वहाँ का दौरा किया और वहाँ पाया कि कुछ कुछ कमियाँ हैं अस्पताल की, जैसे कि वहाँ पर अभी बेड की व्यवस्था नहीं है, एडमिशन का कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्थानीय MCD के स्कूल में भी विजिट किया और वहाँ हमने पाया कि टीन और शेड की चादरों से छत बनी हुई है और वो जब बारिश का मौसम आता है तो छत से पानी टपकता है और पूरे ग्राउंड में 3-3 फुट पानी भर जाता है। साथ ही स्टूडेंट टीचर रेशो, जैसे हमारे घर MCD स्कूल में ये दिक्कत है, वो दिक्कत यहाँ भी देखने को मिली। साथ ही हमने यहाँ पे एक मेटर्निटी सेंटर है वहाँ का भी दौरा किया और मेटर्निटी सेंटर में भी डॉक्टरों की कमी है आयुर्वेदिक दवाइयों का। नगर निगम के काम नहीं हो रहे थे, रुके हुए थे पिछले समय में, या जिन कामों की ज़रूरत है उन कामों पे सारी विजिट रखी गई। सबसे पहले एक बहुत बड़ा काम जो हमारा फतेहपुर बेरी में डिस्पेंसरी है MCD की, उसको बहुत पहले हॉस्पिटल बनना था लेकिन वो नहीं हो पाया था सुंदर जी के प्रयास से और हमारी सरकार के प्रयास से अब वो हॉस्पिटल बनने जा रहा है। सबसे पहले उसमें जो जच्चा बच्चा केंद्र है, मैटरनिटी सेंटर, हॉस्पिटल के रूप में 20 बेड की शुरुआत होने जा रही है। तो आज मेयर मैडम ने वो दौरा किया, अधिकारियों को उचित निर्देश दिए और बहुत जल्दी वो 20 बेड का हॉस्पिटल जो है हमारा बनकर चालू होगा और उसका विधिवत उद्घाटन करके ये हमारे जो क्षेत्र की जनता को जो सुविधा दी जाएगी। चुनाव के समय में हमने लोगों से जो वायदा किया था कि अपने फतेहपुर बेरी गाँव के अंदर जो हॉस्पिटल है, जो डिस्पेंसरी थी, जो विधायक जी ने उसका भवन का निर्माण उसका किया था, लेकिन जब से विधायक बने हैं दूसरे पार्षदों ने वहाँ पे कुछ नहीं किया। जब से हम पार्षद बने हैं तब से हमने वहाँ पर प्रॉपर विजिट करके, अधिकारियों के साथ बैठक करके, मेयर मैडम से बात बैठक करके और आज उनका दौरा कराया है। वहाँ 20 बेड का हम जच्चा बच्चा केंद्र अगले 2 महीने के अंदर लोगों को सुविधा वहाँ पर सौंप दी जाएगी। वहाँ पर ICU रूम बना दिए गए हैं और ऑपरेशन थिएटर की मशीनें भी आ चुकी हैं, 20 बेड की व्यवस्था भी हो चुकी है। तो हमारी प्राथमिकता क्षेत्र को सबसे पहले वो 20 बेड की हॉस्पिटल चालू करनी है। उसके बाद विधायक जी ने एक प्रपोजल और दे दिया है दूसरे वहाँ पर बिल्डिंग तैयार करने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।